पे पंजाब में हुआ, उसी तरह से आपने सपोर्ट करना है पीटीआई को, तो इलेक्ट करें अपने मेयर को। सो डोंट फॉरगेट, वोट फॉर दैट प्लीज। इन चोरों को उठाकर बाहर फेंके और किसी नई क्यादत को लेकर आए जो कि आप इंसानों का सोचे, आपको इंसान समझे, आपको जानवर ना समझे। प्लीज वोट फॉर द बैट। We have to select our mayor. You all have to come out and vote for that. अगर आप चाहते हैं कि कराची और हैदराबाद की भी हालात बदले पंजाब की तरफ, जस्ट वोट फॉर पीटीआई। अपना आप वोट डालिए और बदले पे अपनी मोहर लगाइए। तो हम सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई को सपोर्ट करना है और वोट करना है। लेट्स इलेक्ट आवर मेयर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी को ट्रांसफॉर्म कर सके। अपने घरों से निकलें और पीटीआई को वोट डालें, बल्ले पे निशान लगाएं। पाकिस्तान कराची की वजह से है और कराची पाकिस्तान की वजह से है। तो कराची की खुशहाली के लिए बल्ले पे निशान लगाएं। इंशाल्लाह हमारा कराची शहर एक बार फिर फले फूले। मैं कराची की रेजिडेंट हूँ और मैं जो कराची का हाल देख रही हूँ, मुझे अफसोस होता है। अगर आप चाहते हैं कि कराची के हालात बदले, देन वोट पे पीछे आ। हम सब मिलके कराची और हैदराबाद के हालात बदल सकते हैं, द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। दिस इज आवर चांस, सो लेट्स डू दिस। वोट फॉर पीटीआई, वोट फॉर बल्ला। जो लोग कराची में रहते हैं उनको अंदाजा है कि शहर के साथ कितनी ज्यादती होती है। मैं तो निकलूंगा कैसे, वोट डालूंगा और वोट पीटीआई को डाल देंगे। आप लोग भी कैसे निकलें, वोट डालें और सोच समझ कर वोट डालें। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, आपने अपने पोलिंग स्टेशन में जरूर जाना है और जरूर वोट करना है। आप जिस भी पार्टी को फॉलो करते हो लेकिन इलेक्शन में जरूर हिस्सा लीजिएगा, वोट जरूर दीजिएगा। कराची का एक बुनियादी मसला है कराची के मास्टर प्लान की अदम मौजूदगी, और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक ऐसी जमात है जो कि कराची के मास्टर प्लान के हवाले से बड़ी संजीदा अप्रोच रख रही है। और अल्लाह करे कि अगर वो ये इलेक्शन जीतते हैं तो उनको इस पर कामयाबी नसीब हो और वो ये काम कर जाए। 8 साल के बाद बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं कराची और हैदराबाद। बाहर निकलिए और पीटीआई के कैंडिडेट्स को वोट दीजिए ताकि मतलब मेयर सेलेक्ट करें और उनसे कराची और हैदराबाद के लिए दिल लगा के काम करवाएं।